जय हिंद। नमस्कार मेरे शेर सैनियों, लाडो लाडियो, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल कमांडो अकेडमी पर। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला वो SSC GD 2024 को लेकर, काफी बच्चे एक डेट के बारे में, यानी क्या सर, इसका एग्जाम 5 फरवरी को होगा, यानी 5 फरवरी से शुरू होगा। ये क्वेश्चन मैंने अभी पिछले 2 दिन के सारे वीडियो के कमेंट्स में देखे हैं, क्योंकि कई जगह आपने इसके बारे में सुना भी होगा, एक फेक नोटिस भी चल रहा है, वो भी आपने देखा होगा कि SSC GD 2024 के एग्जाम 5 फरवरी 2024 से शुरू होंगे। ठीक है, एक इसके साथ में जो आपका सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है वो एज वाला, अभी भी मैंने एक पिछला वीडियो बनाया था उसके ऊपर भी, कि एज सर कब से काउंट होगी, क्या 5 फरवरी को एग्जाम होगा तो क्या 5 फरवरी से एज काउंट होगी, या 5 फरवरी को एग्जाम होगा या मार्च में एग्जाम होगा, इसको लेकर भी, साथ ही एक नोटिफिकेशन को लेकर भी अभी एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि नोटिफिकेशन नवंबर में आएगी या उससे पहले भी आ सकती है। देखो लाडो, SSC GD 2023 वाली जो भर्ती थी, आप सभी को पता होगा, नहीं तो आप देख सकते हैं उसका जो कैलेंडर है ना, उसको आप एक बार चेक कर लेना। कैलेंडर के अनुसार जो वैकेंसी आनी थी वो आनी थी दिसंबर में। कब आनी थी नोटिफिकेशन? दिसंबर में। यानी कैलेंडर में जिस प्रकार से अभी SSC के कैलेंडर में नोटिफिकेशन आपको दिखा रखी है नवंबर में, उसी प्रकार SSC GD 2023 में नोटिफिकेशन कब दिखा रखी थी? दिसंबर में दिखा रखी। ठीक है, जबकि नोटिफिकेशन आई कब थी, यानी भर्ती आई कब थी? ये आई थी अक्टूबर में। यानी किसी को पता ही नहीं था, अचानक से रात को 12 बजे की नोटिस आया और बोला कि आज से फॉर्म भरने शुरू है। सोचिए, ऐसा का ऐसा इस बार अगर आपके साथ हो जाए तो क्या आपकी तैयारी वैसी है? अगर मान लिए, मान के चलिए कि 10 दिन बाद या 5 दिन बाद में SSC की नोटिस आ जाए कि आज से SSC GD के फॉर्म भरने शुरू हो रहे हैं, तो क्या आपकी तैयारी वैसी है कि आप अगले 2 महीने बाद अगर आपका एग्जाम ले और आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकें? अगर नहीं है तो आपको इस प्रकार की तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि कोई फिक्स नहीं है कि नवंबर में ही आएगी। नवंबर का मतलब है नवंबर तक तो आ जाएगी। क्या है कि नवंबर, यानी लगभग 24 नवंबर तक तो आ जाएगी। इससे पहले आ जाए इसके लिए कोई नहीं बोल सकता, हो सकता है कि पहले आ जाए। क्यों? क्योंकि SSC GD 2023 वाली भर्ती पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुकी है, यानी 2024 वाली भर्ती का SSC के पास में कोई भी तो केस नहीं है, कोई पुलिस केस नहीं है, ना ही किसी प्रकार की कोई समस्या है, तो पूरे चांस है कि पहली आ जाए, किसी भी दिन आ सकती है। तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो इस प्रकार की होनी चाहिए कि अगर ये बोल दे SSC की आज नोटिफिकेशन आएगी, कल से फॉर्म शुरू, 2 महीने बाद में एग्जाम, आप देने के लिए तैयार रहो, ऐसी स्थिति होनी चाहिए। साथ ही मैं आपको एक चीज बता देता हूं लाडलो, बहुत सारे बच्चों ने मेरे कि ओल्ड पेपर वाली जो मेरी बुक है ये सर फ्लिपकार्ट पर अभी नहीं दिख रही, तो मैं आपको बताया था पिछले वीडियो में कि ये बुक जितनी इसकी उम्मीद की जा रही थी उससे कई ज्यादा लोगों ने इस बुक को खरीदा है, उसका रिव्यू भी बहुत अच्छा दिया है, क्योंकि ये जो पूरी की पूरी जो ओल्ड पेपर की बुक है ये हस्तलिखित बुक है लाडलो, ये मेरे हाथ में बुक है। अगर आप SSC GD 2024 को टारगेट कर रहे हैं तो ये मान के चलिए कि उसके नींव का पत्थर साबित होगी ये बुक। इसमें SSC GD 2023 के संपूर्ण जो पेपर है उनका हस्तलिखित इस प्रकार का सॉल्यूशन है। इस बुक की फर्स्ट पेज की, मतलब की जो पेपर है उसकी PDF भी टेलीग्राम ग्रुप में हमारे में डाली हुई है, जिसका नाम है कमांडो अकेडमी। अगर आप कमांडो अकेडमी के टेलीग्राम से जुड़ोगे और अगर आप मान के चलिए कि आप इस बुक को परचेज करने में आपकी क्षमता नहीं है, तो भी आपको एक फायदा होगा कि टेलीग्राम ग्रुप पर हर रोज इस बुक का एक एक पेपर डालता जाएगा, तो आप वहां से भी अभ्यास कर सकते हैं। कमांडो अकेडमी के नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। केवल इसी बुक का नहीं, जो भी मेरी बुकें आएंगी उन सब की जो आपको PDF फाइल्स, कुछ बच्चे मान के चलिए कि बुक्स खरीदने में अगर उनकी क्षमता नहीं है तो उनको PDF के माध्यम से भी हम इस बुक को प्रोवाइड कराएंगे, तो आप अपनी तैयारी बेहतर कर सको। ठीक है, जो बच्चे ले सकते हैं, क्योंकि हाथ में अगर बुक हो तो उसका पढ़ने का आनंद अलग होता है, मोबाइल में जूम जाम करके पढ़ने में उतना आनंदित महसूस नहीं होता, वो बच्चे अब इसको फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं, क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम में ये फ्लिपकार्ट पर और अमेजन दोनों जगह अवेलेबल है, और वो भी काफी अच्छे डिस्काउंट के साथ। ठीक है लाडलो, इसके साथ बाकी भी 4 बुकें हैं,
मैथ की, रीजनिंग की, जीके और हिंदी, वो भी फ्लिपकार्ट पर जल्द ही अवेलेबल हो जाएगी क्योंकि वो आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी थी। वापस फिर से हम कोशिश कर रहे हैं जल्दी उसको आपके सामने अवेलेबल कर दे लाडो। तो वैकेंसी अगर आपकी तैयारी उस लेवल की नहीं है तो आपको तैयारी कर लेनी चाहिए। और ध्यान रखिए लाडलो, जो ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे अग्रिम बेच से जुड़ सकते हैं। कौन से बेच से? अग्रिम बेच से जुड़ सकते हैं, कमांडो एकेडमी एप्लीकेशन के माध्यम से। ठीक है, यहाँ बहुत सारे बच्चे हमको ये भी बोलते हैं कि सर आपके अग्रिम बेच की फीस काफी बड़ी है, यानी 999 इस बेच की फीस है। तो मैं ये बोलता हूं कि आप क्वांटिटी और क्वालिटी में थोड़ा सा फर्क समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि हम ऑफलाइन में बच्चों को गिनकर एड दिखाते हैं कि इतने बच्चों ने सिलेक्शन दिए। हमारी जो अकेडमी है उसमें से SSGD 2024 में 40+ बच्चों का फाइनल सिलेक्शन हुआ। काफी बच्चे बोले कि सर इतने सिलेक्शन, ये तो पता नहीं उन्होंने ऑनलाइन पेपर उनके कितने ही हुए होंगे। ऑनलाइन सिलेक्शन एक अलग प्रक्रिया है, उसमें जो बच्चे मेरा वीडियो देखते हैं, आप भी कई चैनलों पे वीडियो देखते हैं, तो अगर मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूं तो मैं ये नहीं मान सकता कि वो सिर्फ मेरा सिलेक्शन है, क्योंकि वो बच्चे मेडिकल के लिए मेरे से एडवाइस लेते हैं, कुछ मेरे क्लास से देखते हैं, कुछ किसी और टीचर की देख सकते हैं। ये वो बच्चे हैं जो सिर्फ हमारी अकेडमी में पढ़कर फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचे। अगर आप अकेडमी आके भी तैयारी करना चाहो तो भी कर सकते हो। ठीक है, अब बात करेंगे सर एग्जाम 5 फरवरी को होगा, तो मैं ये बोलता हूं कि अगर ये डेट फेक भी है ना तो आपको इसको सही मान लेनी है। क्या मान लेना है? सही। क्यों? क्योंकि आपको लगना चाहिए कि अब आपके पास में ज्यादा समय नहीं बचा है, आपके पास में कम ही समय है आपको तैयारी करनी। ठीक है, ये मानकर अगर आप तैयारी करोगे तो ही आप सफल हो पाओगे, अन्यथा नहीं। एज रिलेशन की अगर हम बात करें कि सर एज कहां से होगी, तो पहले तो मैं बता दूं मिनिमम एज आपकी 18 होनी चाहिए। अगर 24 नवंबर को नोटिफिकेशन आती है तो 24 नवंबर तक, 24 नवंबर 2023 तक आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 18। अधिकतम एज कितनी होनी चाहिए? तो अधिकतम नॉर्मली एज होती है 23। और एज रिलेशन यानी एज में जो छूट है वो मिलने के काफी अच्छे चांसेस है, जहां तक मुझे लगता है। मेरे से कई बार मैं अपने वीडियो में भी बोल चुका हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि एज रिलेशन मिलेगा और वो भी लगभग 2 साल। अगर सरकार नहीं देती है तो ये बहुत गलत है, क्योंकि अगर पिछले साल 3 साल का दिया तो इस बार कम से कम 2 साल का तो एज रिलेशन देना ही चाहिए, ताकि उन बच्चों को एक अच्छा मौका मिल सके। नोटिफिकेशन की जैसे बात कर रहे थे कि क्या सर नवंबर में आएगी, उससे पहले? उससे पहले आ सकती है। उसके पीछे रीजन भी मैंने बता दिया कि SSGD 2023 पूर्ण रूप से कंप्लीट है, तो उससे अगर पहले आती है तो इसमें कोई संदेह नहीं। ठीक है लाडलो, जय हिंद जय भारत। और भी अगर आपको SSGD से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को दबा लीजिए लाडलो।